Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Vāñcā kalpataruvaśca kipāsindu bhavaca patitānaṁ pāvane bhavaiṣṇavibhyo namo namah mukhaṁ karoti vācālaṁ paṅgum laṅghaitagiriṁ yat kipātamahaṁ vande paramānanda mādhavam brindāvai tulsidevai piyāvai kesavasacha Shna Bhakti Pade Devi Satya Vattvai Namo Namah Narayana Namaskritta Nalam Chaiva Narottamam Devin Saraswati Vyasam Tato Jayo Madhir Sankirtane Krishna Katho Padesh Gauriya Patrasya Prakasa Necha Sadanurakta Guru Bhakti Yukto Vakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Parivabagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchinutam Saranyam Beta Tiham Ponotopal Vavadipotam Bande Mahapurushate Charanarvindam Yat pada pallavana kachanda mani chatai Bispurji takimapika povadu shuadarshi Puruna nuragra so sagra saramurti Saradhika mai kada kipam karush Sri Krishna Chaitanya Prabhunita Ananda Siyadaita gada dharasiva sadihi Gaura bhakta binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadihi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhatu Sankirtanai Kapitaro Kamala Yaktakshu Vishambaru Dijavaru Jugadhar Mapalu Bande Jagat Priyakaru Karuna Hataru Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namami Gange Tava Padu Pankajam Sura Suroe Vandito di Parupam Muktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupen Sada Naranam Ganga Taranga Ramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamananga Madapuharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusho Vadane Lakshmi Yasya Bhakshashi Yasyaste Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram,
राम राम हरे हरे। सुखम सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यादेहो योगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते यस्मात् यथा दुःखम अयत्नतः। सुखम सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते यस्मात् यथा दुःखम अयत्नतः। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है। प्रभुपाद जी ने बताए विचार दो प्रकार का होते हैं, एक प्रेयो विचार है, ये श्रेयो विचार है, एक श्रेयो और एक प्रेयो विचार है। श्रेय अनुसंधान बड़ा मुश्किल फिर भी बड़ा आसान, एक ही साथ बड़ा कठिन है और सहज भी है। कठिन इसलिए क्योंकि माया का प्रभाव बड़ा कठिन, माया रे कोरिया जाए छारानो ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। और सहज इसलिए कि ये आत्मा का ही धर्म है, बाहर जाने का कोई दरकार नहीं, भागादौड़ी का कोई दरकार नहीं, बस आत्मा का ही ये स्वाभाविक धर्म है। इसलिए बहुत सीधा और बहुत कठिन भी है, बहुत कठिन और एट द सम टाइम वेरी इजी। श्रेय अनुसंधान करना जरूरी है, लेकिन तमाम दुनिया उल्टा रास्ता दौड़ रहे हैं। और प्रेय अति सुलभ है, वेरी इजी टू गेट। जैसे तो श्लोक उच्चारण किया प्रहलाद महाराज जी का, अपना जो असुर बालक है दोस्त तो बोल नहीं सकता क्योंकि कहाँ असुर बालक है, कहाँ असुर बालक है या कहाँ प्रहलाद महाराज है। कह जी प्रहलाद महाराज का दोस्त है ये बोल नहीं सकता, ये बोल सकता पाठशाला में विद्यालय में ये लोग पढ़ने के लिए पहुँचे और प्रहलाद महाराज को भी भेजा गया। लेकिन प्रहलाद महाराज जितना सारे शिक्षा शंड अमर्क से मिलते रहे एक भी ग्रहण नहीं किए, बस पिताजी का सम्मान है इसीलिए असुर राज का सम्मान के लिए पहुँचे, बहस नहीं किए, गाली नहीं दिए, किसी को अपमान नहीं किए, बस अपना इरादा पक्का रहे। प्रहलाद महाराज का विचार है मेरा गुरुजी नारद जी महाराज ये लोग कभी मेरा गुरु हो नहीं सकता क्योंकि कोई जानते ही नहीं। नौते विदु स्वार्थ गतिम हे विष्णु दुराशया जे बहिरर्थमान, ये तो अपना जड़ इंद्रियों और मन के द्वारा बाहरी दुनिया में विचरण करते रहते हैं। जो सब चीज़ें दरकार है हमारा सेंसुअल ऑर्गन इंद्रियों ग्राम जो चीज़ को मांगते रहते हैं उसी का सप्लाई देना इसका काम है। एक डोलते रहते हैं, एक ही किस्म का क्वेश्चन है। देवाहुति मैया भगवान कपिल जी अपना पुत्र को सामने रख दिए, कपिल जी भगवान तो यहाँ प्रहलाद महाराज जी ने बताए असुर बालकों को सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देहो योगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते यस्मात् यथा दुःखम अयत्नतः। हे असुर बालक जिंदगी में कोई दुख नहीं चाहते, एक एक कुंती देवी छोड़कर एक कुंती देवी है
कुंती देवी छोड़कर हम दुनिया का बात कर रहे हैं, कुंती देवी का तो अपराकित जगत का। कुंती देवी कहते हैं जो हमको आप दुख भेजो, जितना आप कष्ट हमको भेजोगे भेजोगे उतना ही मेरे लिए अच्छा है, ये कुंती देवी का कहना है। और बाकी दुनिया का कहना है कि कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगदीश को, जगदीश मतलब जगन्नाथ, जगद ईशो, जगदीश मतलब जगन्नाथ, जगद ईशो। तो जगदीश का भजन करके कोई अगर टट्टी पेशाब ये सब मांगे मिट्टी, तो कितना बुद्धिमान है। कष्ट मिटे तन का, धन संपत्ति आए घर का, और कष्ट मिटे तन का, इसीलिए मैं जय जगदीश हरे कह जय जय कह रहा हूं। यही विचार है दुनिया का। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि देखो असुर बालक, ये तमाम जितना अनंत काल से जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, चक्का हर जन्म में विषय मिलना ही है, मिलेगा ही, क्योंकि विषय तो है, मैटर तो है ही है चारों ओर, हर कोई को विषय मिलेगा। जो विषय का डिमांड है वो मांगता है, इसी का ही डिमांड है। जैसे एक सुख, एक सुआर सुकर टट्टी पे साथ मांगते, अच्छा अच्छा टट्टी मिलते रहते। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हे असुर बालक, सुखम इंद्रियकम दैत्या दैत्या देहो जोगे न देहिना, ये मोटा शरीर, ये जो ग्रॉस बॉडी मोटा शरीर, ये मोटा शरीर प्राप्त करने का मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन बाइंड? भले एक ही कारण है, ये मोटा शरीर पकड़ने का, मोटा शरीर धारण करने का ये जो विषय है, ये एक ही कारण है, वो है जीवों का पूर्व कर्मफल का अनुसार जो विषय भोग हो, वो विषय भोग करने के लिए स्थूल विषय भोगने के लिए मोटा शरीर जरूरी है, इसीलिए मोटा शरीर दिया गया। हर जन्म में विषय मिलते रहता है, ये विषय किस विषय किसका अट्रैक्शन का विषय है, किस विषय किसका अट्रैक्शन का विषय है, ये डिपेंड करता है उसका पूर्व संस्कार के अनुसार। शुआर के लिए टट्टी पेशाब अच्छा है, उसका पूर्व संस्कार ऐसा है, और शेर के लिए रक्त मांस हो ये सबसे बढ़िया, और भोगी आदमी के लिए कामिनी कांचन आदि, तो ये तो है ही है, ये चलते रहेगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सुखम इंद्रियकम दैत्या देहो योगी न देहीनम सर्वत्र लभते, जन्म जन्म में विषय मिलेगा, मिलते रहे, मिलेगा, मिल रहा है, इसका कोई समाधान नहीं है। समाधान एक है भजन करना, गुरु वैष्णव का अनुगत्य के द्वारा भजन करना, यही एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। और कोई दुख चाहता नहीं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये कोई तो दुख चाहता नहीं, सब कोई का जिंदगी में एक ही मकसद है, दुख को हटाओ और सुख को प्राप्त करो, लेकिन निरंतर सुख, कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप ट्रांसेंडेंटल ब्लीज और प्राकृत सुखानुभूति, इसका कोई डायरेक्ट फीलिंग किसी का पास नहीं है, इसीलिए तात्कालिक सुख, फॉर द टाइम बीइंग तात्कालिक सुख का अनुभव करते रहते हैं, शब्द स्पर्श और रूप रस गंध। ये देवाहुति मैया ने बताई, हमारा जितना सारी इंद्रियां हैं
ये इंद्रिया जितना सारे चीज मंगे, एक एक इंद्रियों एक एक इंद्रियों जो चीज मंगे सब मैं देते रहे, लेकिन आज परेशान हो गया। ये लोगों का कोई सेचुरेशन पॉइंट नहीं है, हम थक गए, लेकिन ये लोगों को संतुष्ट करने में मैं असमर्थ हूं, ये संतुष्ट नहीं कर पाए, संतुष्ट कर नहीं पाए, संभव नहीं है। कैसे संतुष्ट हो, क्योंकि विषय भोग ऐसा ही है, जितना भोगते रहो उतना ही उसका एंजॉयिंग मूड, जितना भोगते रहो एंजॉय करते रहो उतना ही एंजॉयिंग मूड बढ़ते रहेगा। याद है ना, बहुत देर पहले हम ये चर्चा किया था, वो जोदू वंशों का जोदू महाराज जी का पिता, जोदू महाराज जी का पिता ये विषय में फंस गए और अंतिम में चलकर रोते रोते बताए ये के विषय क्या करे, इसका तो कोई समाधान नहीं। और एक राजा उर्वशी पुरुरवा राजा उर्वशी का साथ अपना जीवन जिंदगी गंवाएं, और एक मुनि है सौवरी मुनि अपना जिंदगी को खराब कर दिए गंवाएं, सारे अपना ये सब धक्का लगने के बाद अपना एक्सपीरियंस को कह दिए, ये कोई समाधान इसका है नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ये जैसा गीता का संसार, कोई आदमी सोचने के लिए बैठता भी नहीं पल भर, इतना बिजी है। बंदरों को माफी, बंदर का जैसा बिजीनेस क्या है, कुछ नहीं है। एक पेड़ से तो छलांग लगा, वहां जाओ वहां, अरे क्या काम है तेरा, क्या मकसद है, वो नहीं बोल सकता, इतना दौड़ भागा दौड़ी। आखिर क्या चाहता है बंदर, वो बता नहीं सकता। सबसे चंचल है बंदर, उससे भी चंचल है आदमी, कि बंदर का चंचलता शरीर से सीमित है और मेटेरियल माइंड तो थोड़ा बहुत उसका ही है, और पशु जो है नेचुरल इंस्टिंक्ट स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार ये लोग काम लेते हैं, लेकिन सबसे चंचल है बंदर से भी ज़्यादा ये आदमी, सबसे बड़ा चंचल है। मेंटली अशांत, शारीरिक रूप से हर हालत में चित्त चंचल। प्रभुपाद कहते हैं ये गीता का संसार जैसा, इसका साथ तालुकात है, ये पांचवा अध्याय 15th चैप्टर शुरू किए तो ये गीता का इसका साथ तालुकात है, ऐसे थोड़ा सुना दे। प्रभुपाद जी का कहना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सन्यासी गुरु एक उदासीन शिष्य को एक गीता दे के गया, बोले बेटा इसको पाठ करना, पाठ करने से मंगल कुशल हो जाए, मन तो शांत हो जाए और मन ठिकाना पे लग जाएगा और तत्वज्ञान होगा, संसार से मुक्ति। ये सन्यासी गुरु उदासीन शिष्यों को गीता दे के गया, अब इसका रोज पाठ करना हर वक्त। शिष्य बोले ठीक है, वो शिष्य चले गए, मैंने यहाँ तो हल्ला गुल्ला है, एक सन्नाटा जगह बिंदाचल का एक गुफा में चले, भले साफा शुद्ध कर लिया और दिन भर गीता पाठ करते लगे और माधुकुरी फादुकुरी करके गुजारा कर लिया। लेकिन ये जो गीता का पाठ करना ये तो है ही है, कर रहा है, लेकिन गीता को संभालने के लिए कोई है नहीं। सो मुसिक मतलब एक चूहा आके गीता को काटना शुरू कर दे, वो गीता को रोज पाठ करके रख दें, गीता को काटना शुरू कर दे, भले महा मुश्किल है, अब कहाँ जाए, हम गुरु जी का दिया हुआ गीता है, ये अगर काट दे तो मैं तो मर जाऊँ। तो ऐसा करें एक बिल्ली ले आओ, अब बिल्ली संभालेंगे, अब बिल्ली को ले आए,
बिल्ली गीता का देखभाली करे, लेकिन बिल्ली खाए का, बिल्ली के लिए दूध चाहिए, दूध कहाँ जाए। अब ठीक है गांव में जाके भी थोड़ा दूध फूद क्या करके बिल्ली को खिलाने पिलाने शुरू कर दिए। और बिल्ली को दूध कौन देगा रोज है? कौन देगा? इसीलिए वो सोची कि तो बिल्ली के लिए रोज भिक्षा में जाना और कौन दूध दे, ये संभव नहीं है। तो एक काम करो, गाय गौ माता तो किसी गांव में गांव वाले तो देगा ही, एक गौ माता हम रख ले। और चारा पारा का तो क्या दरकार है, ये पहाड़ी छट्टी में सब घास फूस है, खाते रहेगा और दूध देते रहेगी, दूध देती रहेगी। ऐसा करके गाभी लें और गाभी ला के गाभी को देखने के लिए तो अपना बस समय बचाने, गीता पाठ करो, भजन साधन है और मुश्किल हो गए, क्या करें। वो गाभी का लिए एक आदमी को रख लिया, उसका तनख्वाह जो कुछ भी है कर दे, बेका बिका करके कर दें। इसको कौन दे? ये पानी देना है, उसको चारा देना है और घुमा ले ले जाना है, फिर बछिया होगी, बहुत मुश्किल। ऐसा करके करके करते संसार बढ़ते चले, अंतिम में सोच लिए क्या करें, ये शादी करना जरूरी है, नहीं शादी करें तो कौन संभाले सब। तो अंतिम में शादी कर ली, और शादी करने का बाद कहाँ रहे, गुफा में तो रहा नहीं जाएगा, उसके लिए एक बना लिया छोटा बहुत जमीन जाएगा तो दिया था गांव वाले ने, बना लिया। ऐसा करते करते उसका संसार बढ़ते चले, स्त्री पुत्र भाई बंधु। और गुरु जी एक दफे आए कि चलो शिष्यों को देख के आए, थोड़ा आके देखी क्या है, ये तो गुफा में रहे रहा करता था, क्या बात है। बाद में शिष्यों का साथ मुलाकात हुए, बोले क्या है ये सब, क्या देख रहा हूँ। बोले गुरुजी ये तो आपका गीता का संसार है ना, मतलब बोले ऐसा ऐसा करके संसार बन गया। पोपा जी कह रहे हैं जो लोग हरि भजन करने के लिए आए हैं, युक्त वैराग्यों का बहाना बनाकर अपना डेफिसिट अर्थात अपना अभाव अभियोग का मात्रा अपना चाहत बढ़ाने का कोशिश मत करो, क्योंकि हरि भजन करने आए हो, जितना मिनिमम चीज़ों में गुजारा हो सके, टूटा हुआ चप्पल, फड़ा हुआ कपड़ा, जो भी है, अच्छा ठीक है समाज में जाओ तो अच्छा कपड़े पहन के जाओ। ऐसा करके प्रभुपाद जी कह रहे हैं हरि भजन कारी व्यक्ति युक्त वैराग्य का बहाना बनाकर अपना अभाव अपना चाहत को बढ़ाओ मत, ऐसा करने से बड़ा मुसीबत होगी। अगर कोई अगर तर्क शुरू करे, महाराज शिल भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी ने किया है, श्रीधर गोस्वामी पोपा जी कह रहे हैं देखो बद्ध जीव और सिद्ध महात्मा महाभागवत एक किस्म का नहीं है। परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज कहते थे एक गुरु भाई ने टीजिंग किया, भले माधव गोस्वामी महाराज के सब बड़ा बड़ा है, इस संभाले कौन, माधव गोस्वामी सब बड़ा बड़ा, अरे बाप रे बाप भजन कब। श्रीधर गोस्वामी महाराज हंसी उड़ा के बोले देखो जो आपका लिए मेरा लिए भारी पड़ता है वो माधव गोस्वामी महाराज के लिए कुछ नहीं, नशी है, नशी जानते हो, स्नूफ नशी जानते हो, टबाकू का पाउडर जो नाकों में है। बोले श्रीधर गोस्वामी बोला ये माधव गोस्वामी महाराज के लिए नशी का बराबर है, ये आपका लिए भारी पड़ता है, मेरे लिए भारी पड़ता है, ऐसा मत बोलो। तो ये साधु का जो पहुंचा हुआ महात्मा है साधक, ये सिद्ध महात्मा और साधक दोनों में अंतर है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि युक्त वैराग्य का एक्यूरेट हिसाब, प्रभुपाद कहते हैं कि युक्त वैराग्य का एकदम एक्यूरेट हिसाब के अनुसार अगर चलते रहे तो सही बात है, नहीं तो थोड़ा कम भी हो जाए
तो उसमें कपट वैराग्य फेंक देगा और ज्यादा एंजॉयमेंट भोजन भजन का नाम में भोजन इंद्रियो ग्राम का भोजन मतलब आंखें का भोजन कानों का भोजन त्वचा का भोजन बढ़ते रहे तो ये हमको भजन से फेंक दे। प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं जे जवा जवान निर्वाह पतिग्रह जितना जरूरी है, जितना जरूरी है चलाने के लिए शरीर को जितना जरूरी है बस उतना ही चाहिए और उसे ज्यादा नहीं चाहिए। सिद्ध महात्मा और मुक्त बा मुक्त पुरुष महाभागवत हजार सौ सौ उपदेश, एक सिद्ध महात्मा बा मुक्त पुरुष का सामने महाभागवत का सामने सौ सौ उपदेश श्रवण करने का बहाना करके आ थोड़ा चालाकी करे दुष्टो दुर्दांतो बहिरिंद्रियो मन कपट भाव ये समाज संसार का समाज संसार का सागर में फेंक देगा। बोलने में आसान है भजन, करने जाओ तो पता चलता है क्या है, करने जाओ तो पता चलता है क्या है। प्रभुपाद जी का कहना है गीता का संसार बना लिया सबने, कोई अगर एकांत में बैठ के चिंता करे कहां से आया ये संसार, आया कहां से ये संसार, क्या लेके आया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन में लिख दिए किशेर संसार यही छायाबाजी प्राय यहां ते ममता कोरी बिथा दिन जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में लिख दिए किशेर संसार यही छायाबाजी प्राय यहां ते ममता कोरी बिथा दिन जाए। संसार कहां से आया ये इसमें मेरा माया ममता बन गया और धीरे धीरे संसार बढ़ते चले पुत्र कन्या पोता पोती सब करके एकदम मेरे को घेर लिया, ये कहां से आए। जिसका बारे में काल चर्चा करते हुए याद है आपको एक आध दो श्लोक एक नंबर और दो नंबर चर्चा की, फिर भी हम टच करके आगे बढ़ेंगे। पंच पंचदशोध्याय श्री भगवान वाच गीता का पंचदशोध्याय वहाँ चर्चा हो चुका है, सिर्फ याद दिलाने के लिए द्वारा इस श्लोक को कहना है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम असत्यम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्सुपर्णानि यस्त्यम वेद स वेदभिद, ये बात का चर्चा हुआ था। ये संसार को एक बट भिक्षो, इस संसार को एक बट भिक्षो का साथ तुलना किया गया। ये संसार को एक बट भिक्षो का साथ तुलना किया गया जिसका बारे में कठोपनिषद में आता है। कठोपनिषद में छ नंबर श्लोक में आता है, वहां भी कठोपनिषद में ये बताया गया ये ब्रह्म वृक्षो। जैसे गीता में बताया गया दे ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम असत्यम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम, तो ये जो संसार वृक्ष है इसका मूल आधार, इसका मूल आधार कौन है, विष्णु है। मूल आधार कहां से आया, बोले भगवान ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्वमूलम ना ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये जगत में कोई पेड़ का जड़ जो है नीचे रहता है मिट्टी का नीचे, यहां से उल्टा है, उल्टा नहीं है ये सीधा है, मेरे उल्टा लगता है ये बोलना ठीक है।
यह बताया गया कठोपनिषद में भी बताया गया ये ब्रह्म भिक्षो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो पक्का बात है, ब्रह्म छोड़कर कुछ है ही नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जग्गुवाल्को का ये उदाहरण दिया था, याद है ना, राम रस लेके पानी में मिलाते रहे, आप पानी में घोल गया, जग्गुवाल्को कहाँ गया राम रस, बोले पानी में घोल गया, घोल के कहाँ गया, बोले पानी के अंदर है, इंटायर मॉलिक्यूलर स्पेस में। और फिर पानी को आँच में लगाओ, फिर बॉयल होते होते आगे का नमक जो है फिर सेडिमेंटेशन के रूप में फिर आ जाएगी। ये तमाम दुनिया को जग्गुवाल्को ऋषि उदाहरण दिए, बेटा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, कैसे ब्रह्म मैं, भले जैसे पानी में नमक राम रस को घोल दो, क्या प्रमाण है रामदास पानी के अंदर है, बोले एक बूंद खाके देखो, पी के देखो, टेस्ट करके देखो, है ऐसे ही जगत दुनिया जो चल रहा है, इसका जो धकाधक चल रहा है, विश्व यज्ञ चल रहा है, ये जो विश्व यज्ञ चले इसका यही ये इट्सेल्फ प्रमाण है। ये जो विश्व यज्ञ चल रहा है, धकाधक चल रहा है, इसका प्रमाण है जे सर्वम खलु इदम ब्रह्म, क्योंकि सारे तमाम एक बूंद जगह भी नहीं, किसी जगह एक जगह एक बालू कणा भी नहीं है जो ब्रह्मों के अलावा है, एक बालू कण धूलिकण ये भी ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसलिए ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम ये तो कहा गया है ही है, फिर कठोपनिषद में भी बोला गया इसको ब्रह्म भिक्षो। इस भिक्षो का ब्रांचेस शाखा पोषा का जो महत्त्व है, सृष्टि का मिस्ट्री है महत्त्व, अनफोल्ड होके धीरे धीरे सृष्टि रचना होते रहते हैं। सो इस वृक्षों का शाखा स्थानियों द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री कैन बी कंपेयर्ड विथ महातत्ता। अहंकार आदि परिणाम, ये अहंकार आदि परिणाम जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली अधोगामी, क्योंकि अहंकार आदि जो कुछ भी है ये प्रकृति का त्रिगुण का रिएक्शन है। अहंकार क्रोध लाभ लोभ लाभ मोह सब जो है रिएक्शन है, प्रकृति का विकार त्रिगुण का विकार है। और काल भी ये चर्चा हो चुका है, ये सृष्टि में प्रकृति नेचर जो है ये प्रकृति का अंदर प्रकृति का गर्भों में भगवान चित रूप जीवों का अनंत जीवों का आधान कर दिए और प्रकृति धगा धकाधक चल रही है, लेकिन प्रकृति इनाड वस्तु है, फिर भी जड़ माया, फिर भी चेतन वस्तु का सहयोग में लगता है कि इसका प्राण है। प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्मैरवशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, ये सब चर्चा हो चुका। और एक एक गुणावली मानो कि आपका पूर्व कर्मफल का अनुसार सात्विक गुण का प्रभाव ज्यादा है, प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर सत्वगुण का सहारा, और इसी जन्म में जो संगो आप करते रहते हो, इसका प्लस माइनस होके जो रिजल्ट रेसिड्यू रहेगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर नेक्स्ट लाइफ। आप किस जोनी में किस जन्म में आप जाओगे, कैसा बंदर या भलू भालू
या तो सांप या तो आदमी, किस जोनी में आप जाओगे ये डिपेंड करता है आपका पूर्व कर्म को। अपूर्व, अपूर्व मतलब वेदों में इसको अपूर्व बोला है, मैंने पहले जन्म का कर्मफल, इस जन्म का कर्मफल प्लस माइनस आपको ड्राइविंग, इट इज वन काइंड ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ये ड्राइविंग फोर्स, ये सूक्ष्म शरीर है, इसको कारण शरीर बोला जाता है, जिसके लिए आपको आपको मजबूर कर देंगे दूसरा एक जोनी में भागने के लिए। तो एक एक गुनावली पूर्व कर्मफल पर, पूर्व कर्मफल का अनुसार जिस गुनावली का प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर बन गया, किसी का अंदर में सतगुण का प्राधान्य हो, किसी का अंदर में रजोगुण का प्राधान्य हो, किसी के अंदर में तमगुण का प्राधान्य हो, इस गुणों का सहारा के अनुसार जो संगो वर्तमान मिल रहा है, इसीलिए इसको ऊपर भी चला सकता है। सतगुण अगर वृद्धि हुआ, सतगुण अगर वृद्धि हो पाया तो देवलोक ऊर्ध्व योनि में जाएगा, और रजोगुण का वृद्धि हो गया तो इसमें ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, ये भूलोक में देवी धाम में रह जाएगा। राजसिक भाव अगर ज़्यादा हो, तमगुण वृद्धि करने का समय है, शरीर छोड़े तो इसी समय में उसको अधोगति नीची योनि में सांप सांप चूहा ऐसा करते है ना, शेर भालू बंदर ऐसा करके, और चेतना और नीचे जाए तो पेड़ पौधा पत्थर ऐसा करके जन्म मरण का चक्कर चल ही रहा है। किसी को मालूम नहीं है कि अनंत काल से जन्म मरण का चक्का चल रहा है, और ये चलते रहेगा क्योंकि संसार अनादि है। शास्त्रों में बताया गया संसार अनादि है, माया अनादि है, जीव अनादि है, भगवान अनादि है, बस इतना ही फर्क है। संसार कभी दिखाई पड़ता है कभी नहीं दिखाई पड़ता। फॉलो, ये संसार जगत जो है सृष्टि का समय में दिखाई पड़ता ताकि छुपे रहता है, लेकिन नित्य है, इटर्नली प्रेजेंट, इसको ध्वंस नहीं किया जाएगा। जीवात्मा भी नित्य है, ऐसे करते चल रहा है। तो ये जो अहंकार आदि त्रिगुण का जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य, जो त्रिगुण का विकार है, ये इसको नीचे में संचालित करे अधोगामी। अधोगामी मतलब ये संसार। परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान से कैसे प्रकृति का सृष्टि का विस्तार भई, इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हुआ था पहले। और ये संसार वृक्ष जो है ये अव्यय है, अव्यय मैंने जिसका व्यय नहीं है, अव्यय है ये संसार, अव्यय है, चेंजेबल है, चेंज होते रहता है, रिएक्शन है, क्योंकि अनादिकाल से इसका प्रवृत्ति, संसार का जो प्रवृत्ति टेंडेंसी है ये चलते रहेगा। संसार का जो प्रवृत्ति है अनादिकाल से, क्योंकि जीवों का प्रवृत्ति किसका है, प्रवृत्ति निवृत्ति जो बात है, दो टर्म है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर चेतन जीव, नॉट फॉर माया, नॉट फॉर प्रकृति। इन आठ वस्तु के लिए अनुभव, सुख दुख कौन भोगेगा, मान अपमान कौन भोगेगा, है तो माया जादू टोना है, लेकिन भोगेगा कौन, चेतन छोड़ के तो होता नहीं, चेतन को ऊपर माया का कवरिंग, इसके बाद बोलता हम दुखी हैं, मैं सुखी हूं, मैं अपमानित हूं, ऐसा। असलियत तो ये है कि आत्मा का मान अपमान नहीं है, तुल्य निंदा स्तुति मौनि, तुल्य निंदा स्तुति मौनि, संतुष्ट जैन केन चित अनिकेत स्थिर मती भक्तिमान में प्रिय न रहा। तो ये संसार जो है, संसार वृक्ष जो है, ये संसार वृक्ष नित्य है, अनादिकाल से है,
संसार का जो टेंडेंसी है, ये जीवात्मा का आधान प्रकृति का गर्भ में होने का बाद सृष्टि कैसे बढ़ते रहते हैं, बढ़ती रहती है सृष्टि, और इसमें सृष्टि का अंदर में टेंडेंसी पूर्व कर्म फल के अनुसार जीवों का भोग विलास सुख, ये जो टेंडेंसी, ये प्रसृता पुरानी, आगे चलकर हम चर्चा करेंगे 4 नंबर श्लोक में आगे चलकर। परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज भी इसको थोड़ा घुमा खुस्ता दूसरा विषय में व्याख्या किया बहुत सुंदर। सो ये भिक्खु जो है ये अव्यय है, कारण ये अनादिकाल से इसका जो टेंडेंसी संसार का प्रवृत्ति ये बहती आ रही है। और वेदोत्रय, ये वेदोत्रय क्या है? बोले ये वेदोत्रय एक्चुअली चतुर्वेद, लेकिन वेद को वेदोत्रय बोला जाता है क्योंकि पहले 3 वेद का प्रकाशित हुए, बाद में 4 वेद, मेनली 3 वेद, ऋक्षाम जजु। सो ये जो है वेदोत्रय जो है ये संसार का, ये संसार वृक्षों का पत्तल, पत्तल है ना, पत्ता, हरा भरा पत्ता है ये वेदोत्रय जो है। वेद कुछ नहीं है, ये संसार वृक्षों का ऊपर जो पत्ता लगता है, वृक्षों में हरा भरा पत्ता लगता है जो वेदोत्रय, ये जो है ये वृक्षों को कवरिंग करके रखा है। इसका मतलब क्या है? माने नहीं समझा? भले माने ये है वेदोत्रय का जो गहरा अर्थ है, ये तो महापुरुषों का सामने प्रकाशित होने वाला, वेदश्च सर्वैः रहमेव वेदे, तो है ही है। वेद तमाम छानबीन करके अगर भगवान का इंडिकेशन नहीं मिला है तो वेद पढ़ना फजूल है। कहने का मतलब है जो वेदश्च सर्वैः रहमेव वेदे, तो पक्का बात है, तमाम वेद छानबीन करने का बाद वेद इंडिकेशन कर देता है ये भगवान ही मूल है, भगवान का भजन करना जरूरी है, भगवान ही ऑल इन ऑल है, ऑल द रूट कॉज एवरीथिंग, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये है। लेकिन पत्ता का, हरा भरा पत्ता का साथ तुलना किया, ये तो समझ में नहीं आया। बोले ये समझने का बात ये है, याद है दूसरा उद्धाय चर्चा किया, तीसरा उद्धाय चर्चा किया, वहाँ वेदों में पुष्पिता वाचा है, वेदों में तरह तरह का टेस्टफुल बातें, मतलब ये है जिसका जो टेंडेंसी है, जिसका जो रुचि है, जिसका जो पूर्व कर्मफल का अनुसार, पूर्व कर्मफल का अनुसार जिसका जो टेस्ट रुचि है, संस्कार है, इसी मुताबिक वेदों में तरह तरह का काउंटलेस विचार बताया, जिसका जो रुचि है वेद से उसको लेके मजा लूटे। वेद में लिखा हुआ है पुत्रेष्टि, आपका लड़का लड़की नहीं हुआ, ठीक है यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो मिल जाएगा, हैं अश्वमेध करो ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, बृहस्पति सब यज्ञ करो ये करेगा वो करेगा, बहुत सारे हजारों देव देवी का पूजा का भी एक यू नो दिखाया गया मार्ग। लेकिन असली बात तो ये है, असली बात तो ये है, ये तो बद्ध जीवों का तरह तरह का जो विचार है, संस्कार है, इसको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट देना मतलब, सपोर्ट देने का मतलब है इसको गाइड करके, पहले तो बोल दिया ठीक है ये पूजा करो, ये जोगो करो, ये करो, जैसे तो आदमी को बोलो कि मांस मत खाओ, सुनेगा नहीं, ठीक है एक काम करो, वेद में लिखा हुआ है यज्ञ करके ठीक मांस खा सकते हो, हैं? लेकिन सारे अर्थ जो है वेद का हमने व्याख्या करके बताया था बहुत दिन पहले। जैसे एक मैया बच्चा को कड़वा दवा
खिलाना चाहती है, ये बच्चा नहीं खाएगी, जोर जबरदस्ती खिलाओ तो लड़ाई लग जाए, तो ठीक है उसको बोले लड्डू देंगे, ये खा, बोले दो दो, नहीं पहले ये पहले दवा खा, नहीं दो, नहीं पहले दवा खा उसके बाद दे दे। तो ना तो माँ का मैया का ये मैया का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं है कि बच्चा का साथ लड़ाई करे, बच्चा को जोर जबरदस्ती करवा खिलाए, और ये भी इच्छा नहीं है इनकी ये लड्डू दे कि मीठा में कीड़े पड़ जाएगा पेट में कृमि, दोनों में एक भी मकसद, मकसद ये है इसका जो बीमारी है वो हट जाए। ऐसा ही है वेदों में तरह तरह का विचार बना के रखा है, रंग रूप देके एक एक न्यू मार्केट खोल दिया वेदों में, ये करो ये करो ये चाहिए ये करो, तरह तरह का विचार बताए हैं। धनम इच्छेद हुतासनात् ज्ञानम आरोग्यम इच्छेद विवस्वनात् ज्ञानम इच्छेद शंकरात् मुक्तिम इच्छेद जनार्दनात्। हम माने नहीं बताएंगे, वो काल से वो करना शुरू कर देगा क्या जो क्या है उसमें माने क्या है, भजन धनम इच्छेद हुतासनात् आरोग्यम इच्छेत विवत्सनात् ज्ञानम इच्छेत शंकरात् मुक्तिम इच्छेत जनार्दनात्। माने नहीं बताएंगे, काल से शुरू कर देंगे बदमाश सब तो ऐसा है वेदों का ये जो तरह तरह का विचार बनाया लोगों को बुका बनाने के लिए, अल्टीमेटली वेदों का ये विचार है इसको गाइड करते करते ठीक है उसका साथ लड़ाई करने से करेगा ही नहीं, तो ठीक है ये भी चलेगा, चलो चलो करो 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 आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली दैट जीवात्मा कैन डिस्कवर दैट विष्णु इज द अल्टीमेट गोल। हमारा जीवन जिंदगी में विष्णु छोड़ के भगवान कृष्ण जी का कुछ नहीं है, जितना भी धर्म कर्म करो कुछ भी करो बहाना बनाओ कुछ भी करो, लेकिन ये याद करके रखना धर्म मूलम ही विष्णु, धर्म मूल विष्णु है, कहाँ जाओगे, है तो कोई रास्ता नहीं। तो ये वेद को वेदोत्रय को इसका जो शाखा ब्रांचेस है, वेदों का जो ब्रांचेस है ना, इसमें तरह तरह का ऋचा है, सब है तमाम हजारों हजारों, इन सभी को एक वृक्षों का हरा भरा पत्ता का साथ तुलना किया गया, क्यों, भले ये संसार रूपी वृक्षो है, ये संसार रूपी वृक्ष है, इसका ऊपर से हरा भरा पत्ता देके डेकोरेटेड करके लिखा है, हैं डेकोरेट करके रखा है कि ताम आम आदमी का थोड़ा मकसद मिले, चलो आगे चलो। और अल्टीमेटली ये वेदोत्रय जो है इट कैन गिव प्रोटेक्शन, ये जब वृक्षों का हरा भरा पत्ता रहता है कि नीचे का पोर्शन जो है शैडो रहता है, वृक्षों का नीचे प्रोटेक्शन है वृक्षों को, वेदोत्रय संसार वृक्षों का पत्रों का साथ हरा भरा पत्ता का साथ तुलना की गई, क्यों, ये जैसे पत्ता सब वृक्षों को आच्छादित करके रखता है, वेदोत्रय धर्मा धर्मो प्रतिपादक, क्या धर्म है क्या धर्म नहीं है, यू नो ये इसके द्वारा छाया का मापिक शैडो का मापिक सर्व जीवों का रक्षक और आश्रय बन के रह गया। ये संसार वृक्षों को जो व्यक्ति जान पाता है, ये तो जानना मुश्किल, बहुत मुश्किल, क्योंकि कैसे जाने, जिसका ऊपर सदगुरु का भरपूर कृपा बन गया वो छोड़कर ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका जो रहस्य है मिस्ट्री ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये पता चलेगा हर आदमी को पता चल जाएगा तो इस संसार में आज कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, मैं तो माया ममता है कुछ नहीं है, तो
तो संसार करना सभी आदमी छोड़ देना, लेकिन छोड़ने तो होगा नहीं, संसार भी जरूरी है। ये संसार जो प्रभाव ये भी भगवान का ही है, भगवान का ही है ना। तो इस सृष्टि का सहयोग करना, सहयोग में जीवात्मा जितना जीवात्मा चलते रहते हैं और जो साधु महात्मा इसमें उपदेश करते रहते हैं। संसार रूपी जो वृक्ष है, संसार रूपी जो यज्ञ है विश्व यज्ञ, इसमें संत महात्मा की भी योगदान रहता है, बड़ा भारी योगदान, सबसे बड़ा। तो ये संसार का जो मूल रहस्य है, ये अगर पता चल जाए, जिसको पता चले वो वेदोज्ञ है, ये ज्ञानी है, ये वेदोज्ञ है ना, एक सौ जानकारी है। तो इसका माया मोह में डालना संभव नहीं है। और चतुर्दश अध्याय में 14th chapter इसमें भगवान ऐलान कर दी जे अनन्य भक्ति के द्वारा एकमात्र त्रिगुण को अतिक्रम करके जा सकते हो। हाँ, योग कर्म योग ज्ञान योग सब थोड़ा थोड़ा प्रोसीड्योर है, बट भगवान विशेष करके बताए अनन्य भक्ति योग के द्वारा संभव है। भक्ति का थोड़ा मिलावटी है, ठीक है, भक्ति को मिला लिया थोड़ा बहुत आगे चल सकता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के अलावा गुणाती तो भूमिका में जाने का एक ही तरीका है, ये अनन्य भक्ति योग के द्वारा त्रिगुण को अतिक्रम करके ब्रह्म भाव अर्थात चिन्मय भाव सेवा भाव भी हो सकता है। पहले काल भी चर्चा किया था हम इस विषय में, जो जैसा प्लेटफॉर्म में वैसा अनुभव करे। तो त्रिगुणातीत भूमिका होना, इसका माने क्या है? भले इसका माने सीधा है, संसार को अतिक्रमण करना। त्रिगुण अतीत होने का मतलब क्या है? त्रिगुण का अतीत भूमिका में जाने का मतलब है संसार प्रपंच को अतिक्रम करके जाना। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ हरिभजन, इसको हासिल करना पड़ेगा। और ये भी अनन्य भक्ति युग के द्वारा ही संभव है, अनन्य बिना अनन्य भक्ति युग संभव ही नहीं है। त्रिगुण को अतिक्रम कर दिया, और त्रिगुण अतिक्रम करने के बाद वास्तविक हरिभजन अर्थात भगवत का सेवा ये वास्तव रूप से हो सकता है। उसका पहले होता है लेकिन उतना नहीं। गुणातीत भूमिका में जब गुणित गुणातीत भूमिका में पहुंचे तब संभव है। गुणातीत भूमिका में ना पहुंचे तो गुणमय भूमिका में भगवान का सब असंभव नहीं। कि काल भी बताया था ना कैसे संभव है, क्योंकि भगवान गुणातीत भूमिका में है। हरिर् निर्गुणो साक्षात पुरुषो प्रकृते प्रकृते परे सर्वद्रिग उपदृष्टा तंग भजनो निर्गुणो भवेत, बताया गया था इस भूमिका में। तो ये जो दूसरा श्लोक में जो बताया गया महाराज, ये दूसरा श्लोक में जो बताया गया, ये जो अधश्च ऊर्ध्वम् प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयो प्रबाला अधश्चो मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधीनी मनुष्यलोके। अधश्च ऊर्ध्वम् प्रसिता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयो प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्माणि अनुबंधिनि मनुष्यलोके। ठीक है, ये वृक्षों का ये जो ब्रांचेस है, शाखा पोशाखा है, ये कभी ऊपर जाए नीचे जाए, और है तो सही। एक वृक्षों को ध्यान से देखना, इसका कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि ये ब्रांच जो है ऊपर क्यों गया, क्या कारण है, ये ब्रांच है नीचे क्यों गए, ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। और ये ऊपर नीचे ब्रांचेस जाने का जो कारण है,
ये फिलोसॉफी दार्शनिक विचार ये दो नंबर श्लोक में बताया गया। जब भी कालम बताए फिर भी टच करें थोड़ा। तो ये संसार क्या है पहले समझो, इसका मूल कारण कहाँ है, कहाँ से संसार आया और मैं कौन हूं, ये संसार में भागीदार हूं क्यों, क्या कारण है, मेरा साथ संसार का तो कोई ताल्लुका है नहीं, आपने बताया पर हाँ ठीक है फिर भी ताल्लुका हो गया सपना जैसा। तो ये जो है अधश्च ऊर्ध्वम नीचे ऊपर, ये ब्रांचिंग का वृक्षों के वृक्षों का जो शाखाएं हैं, वृक्षों का जो शाखाएं हैं कभी ऊपर कभी नीचे गया, प्रश्रितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयो प्रबाला। महाराज ये वृक्षों का पानी कहाँ है, कहाँ देना पड़ता, बोले पानी जो है ये वृक्षों का जो नरसिमेंट है कैसे किया जाए, जैसे जैसे आपका याद है अगला सप्ताह में चर्चा करेंगे। जथा तरर मूल निषेच नैन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हननम अच्युते च, याद है ना अगले हफ्ता चर्चा हो। ये संसार रूपी वृक्षों का मूल है विष्णु, कहने का मतलब है विष्णु भक्ति करो कृष्ण भक्ति करो, इसमें आपका कोई ड्यूटी क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी। महाराज मैं पिता हूं आपका ड्यूटी है, हम मैं स्वामी हूं किसी का, मैं पत्नी हूं, सारे जो ड्यूटीज है अपना अपना मेटेरियल रिलेशन के खातिर कर रहे हैं। वन काइंड ऑफ अननोन फोर्स ड्राइविंग अस टू डिस्चार्ज आवर ड्यूटी फॉर आवर सन हस्बैंड, न जाने कौन एक अननोन है, जानकारी है नहीं कौन फोर्स है हमको लगा देता है स्वामी का सेवा में पत्नी का सेवा में, लेकिन सेवा जो शब्द है नॉट एप्लीकेबल, हम जोकिंगली यूज किया, मैं मजाक में यूज किया ये शब्द सेवा। प्रभुपाद जी ने बताया ये सेवा जो शब्द है घोड़े का सेवा है, घोड़े का हाथी का सेवा कुत्ता का सेवा, ये सेवा शब्द नहीं चलता, क्योंकि सेवा का साथ लिंक है इटर्निटी का, ये सेवा जो शब्द है इसका साथ इटर्निटी इटर्नल वर्ल्ड का संबंध है, इसलिए ये सेवा शब्द यूज नहीं कर सकता, हम मजाक में यूज किया इच्छा करके, ये स्वामी का सेवा कर दी, बच्चा का सेवा कर दी, बंदरों का सेवा कर दी, अरे बंदरों को खिला गोवर्धन में, अरे गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो, और बंदरों को खिलाना शुरू कर दी है, अकल नहीं है, विचार नहीं करते कि गिरिराज कौन है, कितना तमीज से गिरिराज के सामने पहुंचना है, पहुंचना भी मुश्किल है, कैसे पहुंचे हैं, कुत्ता बिल्ली का दर्शन लेके गिरिराज में पहुंचे तो और दबा हो जाएगी हम, और मुसीबत खराब हो जाएगी। अरे गिरिराज का सामने तो प्रार्थना करते रघुनाथ दास गोस्वामी, निजो निकटो वास देही गोवर्धन त्वम, हे गिरिराज हजारों हजारों आंसू कट आंसू टपक पड़े, उसका बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखे हैं हे गिरिराज कृपा करके आपका चरण का सामने मेरे को स्थान दे दो, कृपा करके निजो निकट वास देही गोवर्धन त्वम, क्या ऊंचा सक विचार है और कहाँ मैं अवस्थित हूं। जो भी है चलो, ये वृक्षों का अप्राकृत जो उदाहरण दिए, अप्राकृत उदाहरण नारद जी महाराज उदाहरण दिए, जैसे वृक्षों का जड़ में पानी देने से वृक्षों का हरा भरा हो जाए, क्योंकि धूप और हवा चलते रहे तो कहना क्या है, लेकिन ये संसार वृक्षों का मूल कहाँ है, ऊपर है,
भगवान विष्णु है, ये संसार भिक्षु का मूल है भगवान, इसका आराधना करे तो अच्छा है। अगर ना कर पाए बद्ध जीव जो संसार का सेवा कर रहे उसका लिए क्या व्यवस्था है, वो कहाँ नरसिमहन कहाँ करे। भले इसके लिए है जो रजोतम तम रजो सतो सतो रजोतम गुण का ये जो लहर सतो रजोतम गुण का जो लहर है, ये लहर से ये वृक्षों का सिंचाई करे, क्योंकि वृक्षों का जो वर्धन, ध्यान से विचार करना, ये वृक्षों का नरसिमेंट तो वास्तव विचार करो तो भगवान का विष्णु का भक्ति कर दो हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये संसार वृक्षों का जो पत्ता पुष्पों और जो ब्रांचेस है इसका नरसिमेंट कैसे हो सकता, कहने का मतलब समझो। मेरा कहने का मतलब है ये मेटेरियल संसार कैसे वृद्धि होए, जैसे एक वृक्षों का जड़ में पानी दो हवा दो वृद्धि हो, लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसका जो ब्रांचेस है इसका जो हरा भरा पत्ता है वृद्धि कहाँ हो और कैसे हो, इसका उत्तर है जे ये जो सतरजो तमोगुण का लहर आते रहते हैं हर कोई का जिंदगी में, आपका जिंदगी में किसी का जिंदगी में आते रहते। एक पहुंचा हुआ संत जो है महात्मा है, एलिवेटेड सोल, बहुत यू नो जो एग्जाल्टेड डिवोटीज है, इसका बात अलग है। बाकी हर कोई का जिंदगी में सतरजो तमोगुण का लहर आते रहते हैं, ये लहर का जो पानी है अर्थात सतरजोतम गुण का सिंचाई करो। आई बात समझ में, ये फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन। मेरा कहने का मतलब है ये संसार कैसे बढ़े, अरे संसार कैसे बढ़े इसका पहले देखो। मैंने विचार में बताया था जे ये संसार ब्रह्म वृक्ष है और ये वृक्षों का जो ब्रांचेस है इसमें महत्त्व आदि, उसका बात ये सतरजोतम गुण का अहंकार आदि इसका विभाग। मेरा कहने का मतलब है जैसे पेड़ पौधा मिट्टी में उसका जड़ है और ऊपर में बढ़ते रहते हैं, या उल्टा है जिसका बारे में किसी को पता नहीं है उसका मूल में विष्णु है, लेकिन ये ब्रांचेस जो है नीचे है ना, अम्बुला उल्टा है ना, ऊर्ध्व मूलम अधोशाखम। मेरा कहने का मतलब है ये जो संसार जो वृद्धि है, संसार वृद्धि कैसे हो, बोले जितना सतरजो तमोगुण का सिंचाई करोगे। आई बात समझ में, अभी भी नहीं आई। सतरजो तमोगुण का सिंचाई करने का मतलब है इफ यू आर गोइंग टू ड्राइव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू सतरजो तमो, जैसे गीता का संसार बताए, एक आपका बाबा जी है और गुरु जी देखे गए हैं गीता, उसका हृदय में धीरे धीरे सतरजो तमोगुण का प्रभाव फैलगा। ये उदासीन थे पहले, क्योंकि कब तक उदासीन रहे, अनन्य भक्ति योग हो, गुरु वैष्णव का प्यार मिले स्नेह मिले तो संसार जो है टट्टी पेशाब का बराबर लग जाएगा, संसार फीका पड़ जाएगा। अगर विशुद्ध गुरु वैष्णव का प्यार मिला, कृपा मिला, बहुत स्नेह मिला, तो संसार जो है वो लगने लग जाएगा फीका है, कुछ नहीं है। क्या रखा है महाराज, खोखला है। हाँ खोखला तो है ही है, लेकिन इसी का पीछे तो आप भगा, जिंदगी गंवाया, अकल नहीं है। इतना दिन बाद ये विचार आए, जैसे गीता का संसार का बारे में बताए हमने, ये एक शिष्य है वो भी उदासीन है, अब महाराज इसका संसार कहां से आ गया, वही तो बात है। इसी बारे में तो चर्चा की, संसार तो नहीं था, संसार था कहां से आ गया, जब जन्म लिया तो कहां संसार था, जब जन्म लिया पैदा हुआ मैया का कोख से कहां से संसार लाया था,
संसार लाया था गया, कहां से आया लाया तो फिर? बोले महाराज हो गया संसार, हाँ पूर्व कर्म फल के अनुसार सतर जो उत्तम गुण का लहर आते रहे आपका जिंदगी में, किसी का जिंदगी में, और उसी का सिंचाई करते रहे टू एनरिच योर फैमिली डिजायर, बढ़ते रहे, पोता पोती हो गया और बढ़ते रहे, ऐसा करके भरे सतरुज सतरुज तम गुण के सिंचाई के बिना ये संसार कहाँ से बढ़ेगा महाराज। अधश्च ऊर्धम पश्चितास्तस्य शाखा गुणो प्रवृद्धा विषयो प्रबालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। यहाँ जो यहाँ दो तीन शब्दों का मैंने विचार में बताया, फिर भी आपका समझ में आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं है, मैंने व्याख्या कर दी। कर्मानुबंधिनी किया कि नहीं व्याख्या, कर्मानुबंधिनी मतलब है पूर्व संस्कार के अनुसार जो उसका अंदर में संसार का जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, ये इसको गाइड करेगा। वन टाइप ऑफ अननोन फोर्स, इसका संस्कार, पूर्व संस्कार उसको गाइड करेगा ना, याद है ना। तो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, ये मनुष्य लोक में कर्मानुबंधिनी, इसका मतलब है कर्मा कर्मों का अनुसार उसका धर्म धर्मा धर्मों का लक्षण, ये जो प्रकाश मिले हृदय में उसी का मुताबिक वो चलते रहे, अपने को बंधन में डाले या अपने को मुक्त करा ले, ये उसका डिपेंड करे। तो कहने का मतलब ऊर्ध्व कुछ कुछ शाखा ऊपर जाए, कुछ शाखा ब्रांचेस कैन गो अप, कुछ ब्रांचेस कैन गो डाउन। व्हाई? भले ये तो सीधा बात है, जो तमोगुण का आश्रय करके अपना जीवन जिंदगी को गंवाए उसका जो शाखा है ब्रांचेस है कैन गो डाउन, पथतीर अधर अधर। आई बात समझ में? आज जिसका सतगुण का सहारा ले लिया हो गया उसका प्रेडोमिनेंट, वो ऊपर लुक जाएगा, भूर भुव स्वर महो जनो तपोस ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर। और मिडिल में रहे रजोगुणी, रजोगुण ये जगत का जो मोटा भोग है एंजॉयमेंट, ये इसको अच्छा लगता है, एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा अच्छा लगता है, बड़े अच्छा लगता है ये धरती ये नदियां हैं, ये कामिनी कांचन बड़ा मधुर है, ऐसा अनुभव होगी। आओ चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी मार्केट में कम चीज है क्या, माया देवी ने रखी हुई है, एंजॉय करते चलो। तो ये बात समझ में रखना, समझ के रखना। गुणों प्रवृद्धा इसका भी व्याख्या की है, ये जो सतरज गुण का जो लहराते रहे इसको सिंचाई करते रहो, विषय प्रबालहा, इसके द्वारा विषय भोगने का जो एंजॉयमेंट फ्रूट्स है, फ्रूट्स है ना, विषय भोग एंजॉयमेंट करते रहो। और ऊर्ध्व अधो में कैसे ब्रांचेस प्रसिद्ध करता है, जाते रहता है, इसका बारे में बताए। और अभी कर्मानुबंधिनी कर्मो धर्मा धर्म लक्षण अनुबंधन पश्चात भावी येषाम तानी फलो। और गुण प्रवाह मतलब गुणई सत्यादि भी जलो सेचनई रीबो यथा यथम प्रवृद्धा वृद्धि प्राप्त सिद्ध समीपाद्य मत। वही व्याख्या मैंने किया, मैंने मनमानी व्याख्या नहीं की। ये गुणई सत्यादि भी मतलब जो गुणावली है सतरजोतम गुण, ये इसका जो पानी है ये लहर आते रहे, ये पानी को सिंचाई करो। जलो सेचनई रीबो, रीबो मतलब लाइक इट इज कंपेयर्ड, जस्ट कंपेयर्ड। गुणई सत्यादि भी जलो सेचनई रीबो, जल सेचन का मुताबिक लाइक लाइक गिविंग वाटर यथा यथ प्रवृद्धा प्रवृद्धा वृद्धि प्राप्त। हाँ ये संसार वृद्धि होते रहे, संसार का वृद्धि होते रहेगा।
अब आपका रुचि है, जो आपका रुचि है वही करो। तमाम तमाम सामने में धड़ा हुआ है और ये जो बात बताए तीसरा श्लोक में, जे नौ रूपम अशे हो जथोपो लभते नान्तो नौ चादिर नौ च संप्रतिष्ठा असत्तमेनम सुबिडूड मूलम असंग शस्त्रेण धीरेण चित्वा। क्या है? न रूपम अशे हो यथोपलभते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा असत्तमेनम सुबिडूर मूलम असंग शस्त्रेण धीरेण चित्वा। क्या करे? बोले महाराज, ये संसार रूप वृक्ष का जो ये जो रूट है इसको काटोगे नहीं, ऐसे ही रख दोगे हैं? यही बुद्धिमानी है क्या? न रूपम अशे हो यथोपलभते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा असत्तमेनम सुबिडूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण धीरेण छित्वा। इहो यही संसार में अशो कशो ए वृक्षस्य, वृक्ष एक्चुअली पुंगलिंगो। सो इहो ये संसार में अशो कशो आई मीन ए वृक्षस्य रूपम न उपलभते, ए रूप उपलब्ध है ना। नोबडी कैन रियलाइज द मिस्ट्री ऑफ दिस मेटेरियल संसार वृक्ष ट्री। नोबडी कैन रियलाइज, अनुभव में नहीं आ पाता है। यथा जे रूप न अंत न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, ये उपलब्धि में नहीं आता है कि इसका आदि अनादि नहीं है, चल रहा है अनादि, इसका शेष न अंत नहीं है, अनादि है, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, संग लगा दिया, प्रतिष्ठा तो है ही है लेकिन संग प्रतिष्ठा और तत्सत सत प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात अल्टीमेटली इसका स्टेबिलिटी नहीं है, भंगुर है संसार, भंगुर है। और इसको तुलना किया गया ये बृहत जो असत्य वृक्ष है, शिशंसी मूलम असत्य वृक्षो असत्यम, इतना समय तक हम ब्रट वृक्षों का था तुलना किया और यहां भगवान ना जाने क्यों इसको तुलना किया गया। भगवान कह दिया देखो, ये संसार में जो जीव जितना सारे जीवात्मा हैं जीवगण, ये संसार वृक्षों का शुरुआत कहाँ है, अंतिम कहाँ है, पूर्वोक्तो ऊर्ध्वमूल आदि मूल कहाँ हैं, सृष्टि कहाँ है, खत्म होगी, आदि अंत नहीं है, इसका आदि अंत स्थिति उपलब्धि करने में असमर्थ हो जाता। ये असत्य वृक्षों को तीव्र वैराग्यों के द्वारा, वैराग्य ज्ञान के द्वारा छेदन करना है, काट के फेंक दो। ये सबसे बड़ा मुश्किल, जैसे हमने काल बताया था, याद है ना, एवं गुरु पोषणिक भक्त्या विद्या कुटरेन स्थितेन धीर विवृश्य जीवा संयमयम अप्रमत्त संवृश्य आत्मनमत्त त्याज्य अस्त्रम। ज्ञान लाओ, ये कुछ भी नहीं रखा है, संसार खोखला है, हटाओ, धीरे धीरे विचार बनाओ और विचार बनाते जानाते दिड़ेन असंग शस्त्रेण, मतलब वैराग्य रूप अस्त्रों के द्वारा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगो शिक्षार्थमेकम पुरुषो पुराणो, चैतन्य महाप्रभु का दिखाई हुआ जो युक्त वैराग्य है इसको सलामत है, बाकी जो वैराग्यों का नाटकबाजी है कुछ नहीं टिकेगा।
बोले महाराज महा 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 त्यागी जी महाराज 2008 बा 10008 लगा दिया। वो माने नहीं समझता है, वो सोचता है कि गौड़ी वाले ने 108 लिखता है, मैंने 1008 लिख दे अच्छा है, और कोई अगर 10000 ये समझता नहीं है, ये मजाक बात नहीं है। 108 हमने लगाया, वो लगा दे 1000 लगा दे, मूर्ख है, समझता नहीं है कुछ, लगा दिया कंपटीशन। सो दीरेण असंग शस्त्रेण, मतलब वैराग्य रूप अस्त्रों के द्वारा। अब वैराग्य कहां से आए? ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा आए। छित्वा माने छेदन करो, ये वृक्षों को मूल से काटो फेंको, जल्दी करो, देर है रही, देर हो जाए तो शरीर को भी छूट सकता है। और ऐसा मापिक हमारा और भगवान कोई रास्ता दिखाएगा? इसलिए हमको देर सहन नहीं हो रहा है, तसल्ली नहीं है, जल्दी करो। सो असंग शस्त्रेण अर्थात वैराग्य अस्त्र के द्वारा, वैराग्य विद्या वैराग्य ज्ञान के द्वारा संसार वृक्षों को काटो काटो काटो, इसका स्वरूप को समझो, दफा हो जाओ, हाथ चुरा लो। अरे महाराज बड़ा मुश्किल है, वो है तो मुश्किल लेकिन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता तो है नहीं, कहाँ जाओगी? कोई तो दूसरा रास्ता खुला नहीं है, यही रास्ता है, जितना भी कष्ट हो करना ही पड़ेगा। ततः पदम तत्परिमार्गिताभ्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। क्या लिखा है? ततः पदम, क्या लिखा है ध्यान से सुनना, ततः पदम तत् परिमार्गिताभ्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः तमेवो चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतो प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। याद है ना, है ततः, इसीलिए पदम तत् परिमार्गितव्यम, दैट्स दैट इज व्हाई देयर इज नो अल्टरनेटिव, यू विल हैव टू सर्च आउट दैट वे, ये रास्ता को ढूंढना ही पड़ेगा। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, इसी मार्ग में चलना है। यस्मिन गत्वा, जिस रास्ते में चलते हुए और किसी को द्वारा इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, ये जीवात्मा और जितना सारे जीवात्मा है अगर ये रास्ता को अपनाएं फिर द्वारा आना नहीं पड़ेगा। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वही महान पुरुष परात्पर अखिलेश्वर का चरण में हम शरणागत हुआ। तमेव चाद्यम, तम एव वही भगवान, च जिन्होंने आद्य पुरुष है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, इसी को बताया ना इधर, तम एव च आद्यम, आद्यम ने आदि पुरुषम प्रपद्ये, हम शरणागत हुआ। यतः, जिस भगवान से ये अन्य व्यति रेखाभ्या अन्य व्यति रूप से ये संसार चक्रो चलते आ रहे हैं। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, पुराणी मीन फॉर इन्फिनिटी पीरियड दिस टेंडेंसी संसार का प्रवृत्ति चलते रहे, किसी ने रोक नहीं पाया आज तक। जब हम शब्द ब्रह्मो का चर्चा करेंगे, हम दिखाएंगे जे परब्रह्मो शब्द है, उस समय इस विचार को उठा के हम दिखाएं जे यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी है ना, इसको चर्चा करेंगे और
परम पूज्य केशव गोस्वामी महाराज भी इस बात को उठाए, उठा के एकदम इतना सुंदर व्याख्या किए घुमा के, यू नो, आदि रस का बारे में, और ये टेंडेंसी संसार में जो संसार करने का, स्त्री पुरुष एकत्र में रहने का मजा जो है, ये टेंडेंसी ये अनादिकाल से है। यतः प्रवृत्ति ही प्रसिद्ध, इसका बारे में हम चर्चा करें कभी अलग सका था, इसका साथ कोई ताल्लुकात नहीं। ठीक है, जय गौर। इधर जो है पांच नंबर श्लोक में आगे चलकर, यहां जो है पांच नंबर श्लोक जो है, इसमें भगवान कह रहे हैं जो निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्व नित्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदमाभ्यम तत्। क्या बताया, क्या बताया, क्या बताया, ध्यान से सुनना। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नीत्वा विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमरहा पदमाभ्यम तत्। क्या बताया, बोले महाराज ये जो निर्मोहा मतलब मान मोह मदो माश्चर्य जिसको बाहर जाओ, निर्माण मोहा निर्माण मोहा जित संग दोषा आसक्ति रूपी जो संग दोष है हमारा अंदर में, संग दोष जैसे कहा जाता है ना, साधु संग में मंगल होता है असाधु संग, ये संग का दोष गुण है। तो यूं समझो कि जित संग दोषा, इस संग करने में विचार बुद्धि लगाओ, ये संग दोष हमको स्पर्श ना करे, ऐसा विचार में चलो। निर्माण मोहा जित संग दोषा आशक्ति रूप दोष जय करो, ऐसा संग करो सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ इतना ही नहीं जिंदगी में, जिंदगी में बचा खूचा जो जिंदगी का लाइफ स्पैन है, तमाम जिंदगी में एक पल भर के लिए भी असत्संग मत करो। महाराज हो गया असत्संग, क्या करे, रोक नहीं पाया तो होगा नहीं, रोक होगा नहीं, क्योंकि लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है, लवमात्र असाधु संगे नरक वास है, जैसे लिखा हुआ ना, हैं लवमात्र साधु संग सर्वसिद्धि है, और क्यों नहीं हम बताएं, अजामिल का कैसा संग हुआ था, हैं पल भर के लिए क्या देख लिया, ये क्या कर रहा है, हमको भी अगर ऐसा मजा मिलता, हो गया छुट्टी, संग मिलने के लिए एक पल भर के लिए। गुरुजी कहते थे बहुत सावधानी रहना, सब कोई को बोलते थे, हमको बोलते थे गुरुजी जे क्या देखो, ये सब मजा मस्ती ले रहा है, इसको जानकारी नहीं है, माया देवी आंखें को थोड़ा घुमा दे उसका ब्रह्मचर्य सन्यासी पर पानी में जाएगा। गुरुजी हंसते हुए कहते थे मेरा सामने, बाबा देखो क्या मजा कर रहा है, वो जानते ही नहीं है जे ऐसे ब्रह्मचर्य सन्यासी नहीं रख सकते, समोसा सन्यासी है, ये पागलपंथी है, ये पागलपंथी है, पागलपंथी है, पागलपंथी है, ऐसे सन्यासी का जो भाव है नहीं रहता, लेकिन आदमी सब इसी पर रस्से पे चले, ये पागलपंथी है, वी आर जस्ट इंक्रीजिंग गार्बेज, इच्छा करके पर्पसली इच्छा करके हम लोग गार्बेज जंजाल इकट्ठा कर रहे हैं। कौन बोला है संन्यास लेने के लिए, कौन बोला आचार्य का पद में बैठने के, कौन बोला, मिट्टी में मिल जाओगे, जानते हो क्या चीज है पागलपंथी, जानते ही नहीं है, सब कुछ खिलौना समझता है, मजाक हंसी मजाक में कर दिया। यहां बताया गया, गुरु जी कहते थे, अरे हमने अभी भी बताया एक घंटा पहले, जैसे
ये माया मोह में गिर गया कौन? सौवरी ऋषि। और माया मुक्त होने बाद क्या बताए? संगम न कुर्याद प्रमोदासु यातु। आहा, क्या बताए? जो लोग वैराग्यों के रास्ते में चलना चाहते हो, जो लोग त्यागी बनना चाहते हो, त्यागी मतलब युक्त वैरागी, संन्यास लेने जाए, संयम न कुर्यात प्रमोशात प्रमोदास, कभी भी गलत से भी, इवन नॉट मेंटली, मानसिक रूप में भी जोशी संग ना करे, ये विनती है। महाप्रभु जी ने बताया और महाप्रभु जी ने और बताया ज्यादा, निष्किंचनस्य भगवत निष्किंचनस्य, महाप्रभु जी ने बताया निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य पारंग पौरंग जीगो मीशो भवसागरस्य संदर्शनम विषयनम अथो है तेज है ना जशीता नंचो हा हंतो हा हंतो विष भक्कन तोप्य साधु। हम लोग मजाक समझते हैं, सन्यासी का आज कौन ड्रेस पहनेगा, आचार्य जो कौन ड्रेस पहनेगा, एक लड़की ओ जवानी लड़के उसको सिलेक्ट कर दे, जैसे ड्रामा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, वो उसका कपड़ा चुभ रहा, अरे क्या बात है, ये सिलेक्शन कर रहा है, कर रही है, हैरान हो गया मैं, हम तो चप्पल से पीट के फेंक देते बाहर, या बात ऐसे वैन की बात, ऐसा हालत हो गया। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्व नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुखो दुखो संगोर गच्छन्ति अमुरहा पदम अव्ययम तत्व। यहां बताया गया जो जिन लोगों का अभिमान और मोह पूरा खत्म हो गया, जिन लोगों का जिंदगी में अभिमान और मोह तमाम मिट गया, संसार आसक्ति जय कर लिया, जे लोग आत्म तत्व में निष्ठावान है, प्रतिष्ठित है, जिन लोगों का कामना वासना का निवृत्ति हो गई है पूरा, जे लोगों का सुख दुखों का जो द्वंद्व है, द्वंद्व मतलब कंट्राडिक्शन, सुख का दुख का जो आते रहते हैं ना, इसका जो द्वंद्व बोलता है, द्वंद्व हमारा संस्कृत में द्वंद्व समाज, ऐसे ही यूं समझो, सुख का दुख द्वंद्व, द्वंद्व का लिटरल मीनिंग है फाइटिंग, जो सुख किया है दुख किया है संगो, द्वंद्व से सुख दुखों से मुक्त है, ऐसा मापी जो मुक्त पुरुष है, ये मुक्त पुरुष जो अव्यय पद अर्थात नित्य अव्यय पद को प्राप्त करता है, ये जो अव्यय पद को अव्यय पद को प्राप्त करता है कौन? बोले महाराज जो लोग अभिमान मोह से परे हो गया है, पूरा छोड़ दिया, जिन लोगों का संसार आसक्ति जय कर लिया, जो लोग आत्म तत्व में निष्ठावान है, जो लोगों का कामना वासना निवृत्ति हो गया हो चुका, जिन लोगों का सुख दुखों का द्वंद्व से परे हो गया मुक्त हो गया, ऐसा माफिक जो विवेकी महाज्ञानी विवेकी एलिवेटेड सोल है, विवेकी पुरुष है, यही अव्यय पद को प्राप्त करता है, इरेस्पेक्ट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, आज किस चेयर में बैठा हुआ है, इट इज नॉट ए बिग फैक्टर, किसी भी चेयर में आप बैठ जाओ, ये चेयर बड़ा बात नहीं है, किस आसन में बैठो आपका ताकत है बैठ जाओ, लेकिन यहां तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। विवेकी पुरुष जो है, ये ऐसा मापिक जो पुरुष है, वही ये आपका परम, ये जो अव्यय पद, अव्यय माने अक्षय पद, अव्यय पद को प्राप्त करता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्वा विनिवृत्त कामः
Dandair vimukta sukha dukkha sangair gacchanti amura padam abhayam tat. चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया, आई बात समझ में। छ नंबर श्लोक में बता रहे हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्ध्याम परमं मम। यही बात को समझ में, यही बात को याद रखना है। क्या? न तद भाषयति सूर्यो, मैं जिस ट्रांसेंडेंटल रियालिम के बारे में बता रहा हूँ, जिस प्लेटफॉर्म जहाँ ये जगत का जो सूर्य है, सूर्य देव, ये इसका रोशनी से ये धाम आलोकित नहीं है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांक, चंद्रमा का रोशनी से ही है, ये वहां भी है लेकिन ये जड़ जगत का जो चंद्रमा सूर्य ये नहीं है, अलग है। और पावक, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, पावक ये जो जिस पद प्राप्त होने का बाद साधक ये संसार में वापस नहीं आएगा, नहीं आ सकता। जिस रियलम जो है, पद जो है प्लेटफॉर्म में, सूर्य चंद अग्नि इसको, ये धाम को प्रकाशित नहीं करते। ये सब प्रकाश धाम है, ये सब प्रकाश है, इसमें सूर्य चंद्रमा या अग्नि को प्रकाश देने का दरकार नहीं है। ये मेरा धाम है, और जिस धाम में जाने के बाद लौट आने का कोई सवाल ही है नहीं, लौट आने का कोई बात ही है नहीं। और कोई जाना नहीं चाहता, बोले वहां टट्टी पैसा मिलता है, वो नहीं मिलता, वह तब नहीं जाएंगे हैं। किसी को बोलो को जाओगे, बोले नहीं महाराज क्या कर, इधर ही ठीक है, यहाँ ठीक है, एसी है, डीसी है, टट्टी पेशाब है, सब लड़की लड़का है, यही अच्छा है, कहाँ जाए, मरे मरने जाएगा, कहा जाएगा नहीं। लेकिन भगवान कह रहे, देखो न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्ध्याम परमं मम। वो धाम मेरा है, वहाँ सूर्य चंद्रो इसका कोई ड्यूटी फ्यूटी नहीं है, वो कहाँ है, अग्नि सूर्य चंद्र ये सब प्रकाश कर नहीं सकता, ये सब प्रकाश वस्तु है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जो जीव लोग में जितना सारी जीव शक्ति है, ततस्था शक्ति है, ये जो ततस्था शक्ति है, जीव शक्ति है, ये समझ के रखना, ये मेरा ही अंश है। ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, हरि महाराज अंश है। लेकिन यह विचार है, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। ये श्लोक का बारे में बहुत सारे उल्टा पलटा चर्चा होता है समाज में भरपूर, किसी को मालूम नहीं, पागलपंथी पागल उल्टा पलटा व्याख्या होता है। बोले जो ममैव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, बोले महाराज हम तो भगवान का ही अंश है। हाँ भगवान का तो अंश है ही है, लेकिन कैसा अंश है, क्योंकि पूर्ण वस्तु को, पूर्ण वस्तु को इन्फिनिटी अनंत रूपी हरि, अनंत रूपी हरि, ये जो पूर्ण वस्तु है, पूर्ण वस्तु को टुकड़ा 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 करके ये जीव जीव शक्ति बना, ऐसा नहीं, ध्यान देना है, विदा भूलना नहीं कभी। ये जो मामई वंश जीव बोलू के भूला है, इसको लेकर बहुत उल्टा व्याख्या होता है,
मामई वंश जीवो को जीवो लोग जीवो भूत सनातन हा ये जो सनातन जय सनातन जीवो भूत सनातन हा माने ये अनादि काल से ये जीवात्मा है। ये जितना सारे इन्फिनिटी जीव है, जितना सारे इन्फिनिटी जीवात्मा है, अर्जुन ये मेरा ही अंश है। अच्छा आपका अंश है? हाँ, जीव शक्ति ततस्था शक्ति। ध्यान देना, कोई अगर कहे पूर्ण अनंत रूपी हरि इसका पूर्ण वस्तु है, ये पूर्ण वस्तु को टुकड़ा 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 डस्ट पार्टिकल करके ये जीवात्मा बना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी बहुत सारे व्याख्या की, याद नहीं है आपका? जो जितना सारे वैकुंठ जगत में या गोलोक धाम में जो डस्ट पार्टिकल है, एक डस्ट पार्टिकल का कीमत जो है अनंत मेटेरियल ब्रह्मांड से और ज्यादा कीमती है। आई बात समझ में? अनंत अनंत इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, चांद सितारे, इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, यू कैन कीप वन साइड, अनदर साइड ओनली वन डस्ट पार्टिकल फ्रॉम वैकुंठ जगत और गोलोक धाम, एक डस्ट पार्टिकल वैकुंठ जगत से एक 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 तरफ रख दो और एक तरफ इन्फिनिटी मेटेरियल वर्ल्ड, तो ये भारी पड़ेगा। क्यों? ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। मेटेरियल जगत स्थाई नहीं है, अनस्टेबिलिटी। आई बात समझ में? इसीलिए उद्धव जी ने बताए, मैं गोलोक धाम का एक डस्ट पार्टिकल चाहता हूं। ये दो नहीं चाहते, बोले महाराज एक मिले तो काफी है, मेरा मांगने का भी अधिकार नहीं है, इतना गिरा हुआ इंसान हूं मैं। उद्धव जी कह दी कि एक डस्ट पे आशा मोह चरण रेणु जूषा मोह चरण रेणु, एक 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 डस्ट पार्टिकल, नॉट रेण वह आशा मोह रेण वह, ऐसा नहीं बताए, बहुत रेणु नहीं है, रेणु मतलब पार्टिकल, एक डस्ट पार्टिकल आशा मोह चरण रेणु। अब बताओ क्या विचार करोगे? तो क्या विचार होगा? ये जो मामोई वंश जीव बोलो के जीव सनातन जो विचार बाजार में चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो ये अप्राकृत जगत का एक डस्ट पार्टिकल, इट इज ऑल्सो कंप्लीट। पूर्ण वस्तु का एक हिस्सा भी ले लो, चाहे डस्ट पार्टिकल, फिर भी यह पूर्ण वस्तु, पूर्ण जगत का, पूर्ण वस्तु का, पूर्ण वस्तु का, या तो पूर्ण जगत का, जो कुछ भी आप लेओगे अंडर योर कंसिडरेशन, इट इज ऑल्सो कंप्लीट। पूर्ण वस्तु का कुछ भी हो, पूर्ण जगत का कुछ भी हो, डस्ट पड़े, ये कंप्लीट है, पूर्ण वस्तु है, इसमें कोई डेफिसिट नहीं है, अभाव नहीं है। तो व्याख्या कैसे होगी? व्याख्या कैसे हो पाएगी? व्याख्या ऐसा है जो ये शक्ति तत्व है मामई वंश जीवो लोग के जीवभूत सनातन है। ये जो बताया गया, ये जो जीव शक्ति है अर्थात तत्वसा शक्ति, भगवान का शक्ति का अंश है। आई बात समझ में? भगवान का जो जीव शक्ति है, भगवान का जो तत्वसा शक्ति है, ये तत्वसा शक्ति जीव शक्ति का अंश है। ये जीव एक एक पार्टिकल जीव शक्ति, सो भगवान का अंश है, मतलब भगवान का शक्ति का अंश है, भगवान का अंश है मतलब भगवान का शक्ति का अंश है, इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने भगवान का शक्ति का अंश भी तो दोष है, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भगवान और भगवान का शक्ति अभिन्न है। वेदांतों में बताया, वेदांतों में देखा है, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, वेदांतों में बताया गया, वेदांतों में बताया गया, शक्ति शक्ति मतोर अभेद, अतः शक्तिमान और शक्तिमान और शक्ति एक दूसरे से अलग है, अचिंत भेदावे शक्ति के द्वारा। तो ममई वंश अगर भगवान बोला भी है, ये कोई गलती नहीं है, ये अचिंत भेदावे शक्ति के द्वारा जीवात्मा तत्वसा शक्ति, ये अचिंत भेदावे विचार के द्वारा
जुगपत साइमल्टेनियसली डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस फ्रॉम भगवान. जैसे एक फोटोन पार्टिकल फ्रॉम सन गॉड, सूर्य रश्मि का एक फोटोन कणा जुगपत साइमल्टेनियसली डिफरेंट एंड नॉन डिफरेंट फ्रॉम सन गॉड. ये इसको सूर्य से अलग होके आया है, अलग माना गया तो थूबी चीज है, नॉन डिफरेंट इन द सेंस ये तो इसका ओरिजिनल एग्जिस्टेंस उधर था. तो ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनाता हाँ, ये कोई गलती बात नहीं है, ये ठीक है. ममो एव सनातन अंश हमारी अंश जीवभूत ममो एव सनातन ममो एव सनातन अंश जीव स्वरूप होके भी प्रकृति स्थानी ऐसे कैसे हो गया. भले ये होने से भी जीवात्मा मेरा अंश होके भी प्रकृति स्थानी प्रकृति में मैंने फेंक दिया था. अहम बीजो प्रदे पिता ददामी गर्भम ना गर्भ गर्भ संचार किया कर दिया मैंने. अहम बीजो प्रदे पिता मैंने बीज प्रदाता पिता हूं. प्रकृति का गर्भ में संचारित कर दी और प्रकृति का कांटेक्ट में आया जीवात्मा तो एट ऑल प्रकृति से डिवीजन होके महत्त्व महत्त्व से कैसे कैसे सब गुणों का विभाग से देवता लोगों का विभाग उसका बाद कैसे कैसे तन्मात्र आदि सारे विचार हमने दिखाया पहले. 26 गुण 24 गुण 26 गुण 28 गुण हमने दिखा 29 गुण तमाम हमने विचार करके दिखाया पहले है ना. पंचकर्मेंदियों पंच ज्ञानेंदियों हैं पंचो तन्मात्रो है ना पूरा तमाम ऐसा विचार करके देखो देखोगे सही बात है. तो प्रकृति स्थानी भगवान कहना चाहता है ये जीव भूतो ये जो सनातन मेरा जो तत्वस्था शक्ति है मेरा जो सनातन अंश है मेरा जो जीव शक्ति है इसको मैंने प्रकृति का गर्भ में फेंक दिया तो प्रकृति स्थानी प्रकृति में अवस्थित हो गया. और मनोषठानी इंद्रियाणी मन का साथ छ इंद्रियों मन और पंच इंद्रियों सारे मिलकर एक धमाका मचा दिया. ए मेटेरियल माइंड टुगेदर विथ सेंस ऑर्गन एक धमाका मचा दिया. ऐसा शोर मचा दिया जगत में धरा धर सृष्टि आगे चलते रहे. सृष्टि को बढ़ाने के लिए बोलने का दरकार नहीं है. उल्टा सरकार से विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट दे संसार को कार्टेल करो लेकिन भगवान का भजन के लिए एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है. अरे महाराज भगवान का भजन करो करके देखो महाराज वो करेगा नहीं. और संसार वृद्धि के लिए नो नीड ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट इट इज सेल्फ एडवर्टाइजमेंट चलते रहता है. क्या माया देवी का प्रभाव है. मनहा षठ इंद्रियाणी मनहा सठानी सॉरी मनहा सठानी इंद्रियाणी क्या बताया नेक्स्ट लाइन. मनहा सठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति है. पहले ये तज्जब की बात है तो जीवात्मा मेरा अंश है चिन्मय है लेकिन प्रकृति में इसका गर्भ संचार के समय में डाल दिया. और ऐसा तज्जब बात है ये अपना पूर्व परमफल के अनुसार एक एक जीवात्मा और अपना मेटेरियल माइंड टुगेदर विद सेंस ऑर्गन सबके धमाका मचा के रहा है. और ये ऐसा आकर्षण है कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन मेरा सनातन अंश ये जो जीवात्मा है सारे होते ये मेरा सनातन अंश है होते हुए भी प्रकृति में इसको आना पड़ा. और प्रकृति में आने के बाद ये जो मन है और पंचो इंद्रियाणी ये संसार में रहते हुए कर्म भूमि में इसको कर्म भूमि में अर्थात कर्म भूमि में मेटेरियल वर्ल्ड में एग्जीबिशन खोल के रखा है न्यू मार्केट जैसा
और इसको खींचते रहते, आ इधर, आ इधर, आ इधर, आ मजा ले ले, खाओ पियो जियो एंजॉय योरसेल्फ, बुलाते रहते हैं। जैसे मैंने सुना है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, भले एक एक व्यक्ति ने खुदकुशी करने का कोशिश की गला में रस्सा लगाकर, और होन हार का खेल है, अचानक पड़ोसी ने देख लिया, उसको बचा लिया, और बचा लिया, और बचाने के बाद वो आदमी ने कहा, महाराज मैंने खुदकुशी करने के लिए गया और ठाकुर जी का क्या विचार है, हमको बचा लिया, लेकिन हर रोज मैं सोने का समय देख रहा हूं जैसे कहां से लाल पीला हरा रस्सा लेके कोई आ रहा है, आजा आजा लटक के मर जा, या मजा है, बुला रहा है मेरे को। ऐसा ही है, जो खुदकुशी करने के लिए जा रहा है उसको रोज बुलाता है, आओ आओ, यह आनंद है, आ जाओ मेरा पार्टी में ज्वाइन करो, सैटरडे पार्टी में, और नहीं तो संडे पार्टी में ज्वाइन करो, दोनों में ठीक है, बड़ा आनंद है। महाराज भगवान कह रहे हैं ये जो न्यू मार्केट है माया देवी का, खुल्ला खुल्ला मार्केट, एकदम मार्केट डेकोरेट करके रखे हैं, किसी का बाँचने का अधिकार तो जरूर है, किसी का तो बाँचने का अधिकार जरूर है, लेकिन बचने का हिम्मत हो तब ना, बाँचे कैसे, बाँचे भी बाँचे कैसे बचे। इतना ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है कि भगवान को फेंक कर और भगवान यहाँ चले। असली बात तो ये है, भगवान का रास्ते में गुरु वैष्णव का पक्का टेस्ट मिला। मैं तो ये मजाक में कह दिया, सच्चा बात तो ये है, भगवान का प्रवचन, भगवान का पूजन सुनते हुए गुरु वैष्णव का कृपा, अपराकृत राज्यों का जो इंडिकेशन, जरा सा भी एक बूद टेस्ट मिला है तो ये प्रभुपाद जी का कहना है, जो जिसको जिंदगी में अनन्य भजन, जिसका जिंदगी में अनन्य भजन का जरा सा भी टेस्ट मिल गया, उसका लिए गिर जाना संभव नहीं, मुश्किल है। ऐसे तो भगवान का माया बहुत कठोर है, भगवान अगर चाहे इच्छा करके कर सकता है, जैसे शंकर भगवान को माया का चखा दिया, शंकर भगवान मृत्युंजय है, शंकर भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता, भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, लेकिन शंकर भगवान को भी चखा के रख दिया। तो इसलिए मैं गारंटी नहीं देख सकता, ये नहीं, ये अहंकार के साथ ये नहीं बोल सकता मैंने माया जय कर दिया, ऐसा बोलना संभव नहीं है, ऐसा बोलना संभव नहीं है। अगर कोई बोले तो जरूर जरूर ये माया का अंदर में है। कोई अगर बोले ना हम मैं साधु बन गया, प्रभुपाद बोल रहे हैं देन ही इज अ ब्रांडेड असाधु। अंग्रेजी कथा में चर्चा करेंगे आज आगे चलकर, अभी तो चर्चा करने का समय नहीं है, अब यहाँ छोड़े, अगले सप्ताह इस विषय में चर्चा हो सकता। यथा तररमुल निसेचनेन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजो पुसाका प्राणोपहारश्च जतेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हननम उच्युते ज्या वांछ कल्पतरुषि के पास सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।